तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बायोकॉन के स्टॉक के बारे में। बायोकॉन के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको स्टॉक में हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी पिछले कुछ ट्रेन से हमको अगेन यहाँ पर स्टॉक में लगातार गिरावट भी देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 2.19% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अगर अभी स्टॉक में और गिरावट आती है तो यहाँ से भी और गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 250 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ने इसको भी ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 251, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 243 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 235 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से रिकवरी कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 267 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 280, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 27 और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेज़ी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 320, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 350 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 375 और इवन 400 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। वहीं यहाँ से अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो गिरावट की कंडीशन में हमको इस स्टॉक के इन लेवल्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।